नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। समय है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करें। श्री रेणुका जी में पकड़ी 1 किलो 453 ग्राम चरस, पुलिस की एसआईयू की टीम को बेचड़काबाग में मिली सफलता। मंडी के बल में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में लगी आग, मुंदड़ू के रिटायर्ड टीचर की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। जिवाली के भलाड़ में महिला मंडल भवन से 1.5 लाख का सामान ले उड़े चोर, शिव मंदिर से उठाया 9 किलो पीतल का नाग। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें, ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। जोगिंद्रनगर में ड्यूटी को जा रही फॉरेस्ट गार्ड की गाड़ी खाई में गिरी, टांडा रेफर। चंबा में सड़क पर जा रहे बच्चे पर झपटा पागल कुत्ता, दिल दहला देने वाला वाकया सीसीटीवी कैमरा में कैद। भोरंज के शहीद अंकुश ठाकुर को मिला सेना मेडल, ममून मिलिट्री स्टेशन में आयोजित समारोह में मां ने हासिल किया पदक। चचिया में मकान पर गिरा विशालकाय पेड़, देर रात आए तूफान ने खूब डराई ग्रामीण। पीरथीपुर में ओपन एयर जिम बना युवाओं की पहली पसंद, फिटनेस बनाए रखने के लिए खूब बच्चे बुजुर्ग भी बहा रहे पसीना। नाग लोक की बहन है शिवरात्रि महोत्सव में पहुंची श्री देवी मनसा माता, संकट के दौरान भगाई थी बुरी शक्तियां। किन्नौर की बेटी सिमरन मेहता बनी सेना में लेफ्टिनेंट, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में दे रही सेवाएं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी पहुंची इंडियन मोनालिसा की पेंटिंग, खूब लुभा रही विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली बनी ठनी। बास्केटबॉल में कांगड़ा की टीम ने सरकाघाट को दी करारी शिकस्त, हिमाचल पुलिस ने भी अपने नाम की ट्रॉफी। मोहाली में विराट कोहली ने खेला 100वां टेस्ट मैच, हजारों लोग बने ऐतिहासिक पल में गवाह। दिव्य हिमाचल टीवी में स्कूल भवन की खस्ता हाल का मुद्दा उठाते ही हरकत में आया विभाग, निरीक्षण को पहुंचा प्रशासन। ऊना में शूटआउट से हुआ महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का फैसला, रोमांचकारी मैच में ऊना की हुई जीत। ऊना में सहकारी सभा में एक और गड़बड़ झाला, जमाकर्ताओं ने सभा प्रबंधन और सचिव पर जड़े गंभीर आरोप। यूक्रेन में लगातार बिगड़ रहे हालात, पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे पांवटा के छात्र ने बयां किया दर्द। नादौन के साहित्यकारों और लेखकों की चेतावनी, यशपाल साहित्य सदन से बर्दाश्त नहीं होगी छेड़छाड़। सुजानपुर में 23.5 लाख में नीलाम हुआ डोम बाजार, प्रशासन की देखरेख में लगी बोली। धर्मपुर में हुआ नई शिक्षा नीति पर मंथन, बीआरसीसी कार्यालय के सभागार में चला 1 दिवसीय सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।